इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए। ऑक्सीजन थेरेपी इलाज का एक तरीका है जिसमें मरीजों को जब सांस लेने में मुश्किल होने लगती है तो उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन दिया जाता है। जब कोई बीमार मरीज खुद से सांस के जरिए सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो उन्हें यह थेरेपी दी जाती है। ऐसा आमतौर पर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें पहले से लंग्स से जुड़ी कोई बीमारी हो, जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, निमोनिया या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई और समस्या जैसे हार्ट फेलियर या स्लीप एपनिया आदि। इस थेरेपी की मदद से मरीज के शरीर में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है और मरीज को बेहतर महसूस होता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके सभी पहलू के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के इंडिकेशंस, यानी कब कब ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन होता है डिसेपनिया। जब भी किसी को सांस लेने में परेशानी होती है तो उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड होता है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम यानी किसी को भी श्वसन से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी को लंग्स से संबंधित कोई डिजीज कंडीशन हो जैसे कि अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, COPD हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। फिर आता है MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमारी जो हार्ट होती है, हार्ट के वाल को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर नेक्रोसिस का कंडीशन अराइज होता है। फिर आता है एक्सटेंसिव बर्न या मेजर बर्न। जब ज़्यादा बर्न हो जाता है, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हुआ है, तो उस पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं क्योंकि उसके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जब बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का डिमांड जब बढ़ेगा तो उसको हमें ऑक्सीजन थेरेपी देकर उसकी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन रहे। फिर आता है एनीमिया का कंडीशन। एनीमिया कंडीशन यानी बॉडी में HB का लेवल कम हो जाना। जब HB बॉडी में कम हो जाता है तो HB का काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना, और जब HB ही नहीं रहेगा तो हमारे पूरे बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी हम उसको कोप अप करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। फिर आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई होती है क्योंकि उस टाइम पर हाई ग्रेड फीवर हुआ है। हाई ग्रेड फीवर मतलब बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमारे बॉडी का जो डिमांड होगा उसे ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन को डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन के डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम उसको सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, तो इसके लिए भी हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और शॉक के कंडीशन में भी हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ O2 एंड O2 डिलीवरी सिस्टम। अब हम कैसे ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं और कैसे कैसे हम देते हैं। तो सबसे पहला होता है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला के थ्रू, नेजल कैनुला यानी नेजल प्रॉन्ग भी हम इसको बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है और इसे कुछ इस तरह से लगाया जाता है जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। फिर इसमें जो O2 का जो फ्लो रेट होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है, इसमें जो फ्लो रेट होता है काफ़ी कम होता है। क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन एंड लॉन्ग टर्म यूज़, इसको हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए लेते हैं, और लेकिन इसमें जो लिमिटेशन होता है इसका क्या है, एयर फ्लो बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसका फ्लो रेट क्या है, 1 से 6 per minute, 1 से 6 liter per minute हम देते हैं। और इसमें O2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, 24 से 44% इसका O2 का कंसंट्रेशन होता है। अब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, अब हम कितना O2 इंस्पायर करवा रहे हैं, तो इसमें 24 से 44% जो इसका लिमिटेशन होता है नेजल प्रॉन्ग का, तो अगर 1 liter ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो 24% कंसंट्रेशन रहेगा। अगर 2 liter हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि 48% हम देंगे, उसको हम 4 ऐड कर देंगे तो 28% हो जाएगा। अगर 3 liter हम पर मिनट दे रहे हैं तो उसको हम फिर से 4 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 4 liter पर मिनट दे रहे हैं तो फिर से 4 ऐड करेंगे, 36 हो जाएगा। 5 liter पर मिनट ऑक्सीजन दे रहे हैं तो फिर से हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो 40% कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर 6 liter पर मिनट दे रहे हैं तो उसमें फिर से हम 4 ऐड करेंगे तो 44% इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अब समझ में आ गया। अब हम यूज करते हैं नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसका लिमिटेशन क्या होता है, हर 8 घंटे पर इसको चेंज करना पड़ता है। इसको मतलब वन साइड नोज में हम लगाते हैं, फिर
हर 8 घंटे बाद उसको दूसरे साइड नाक में लगाना होता है, फिर 8 घंटे बाद उसको चेंज करके पुराने मतलब पहले नाक में लगाएंगे, फिर उसको हम 8 घंटे बाद फिर चेंज करके उसको लगाते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मोटू का कंसंट्रेशन रखते हैं 24 से 44% रखते हैं, 24 से 44% रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फेस मास्क। फेस मास्क हर किसी ने देखा होगा, ये एक सिंपल फेस मास्क होता है, इसको हम शॉर्ट टर्म यूज के लिए लेते हैं या फिर इमरजेंसी के लिए लेते हैं, ठीक। इसका जो फ्लो रेट होता है 5 to 8 liters per minute होता है, ठीक है, 5 to 8 liters per minute होता है, और जो इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा 60% तक होता है, 60%। फिर आता है पार्शियल फेस मास्क। पार्शियल फेस मास्क आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पेशेंट ने लगाया हुआ है। पार्शियल फेस मास्क जो होता है इसके अंदर एक रिजर्वायर होता है, यहाँ पे एक पॉलिथीन टाइप का रिजर्वायर होता है, जिसमें जो पेशेंट जब ब्रीद करता है तो फिर जो वापस से मतलब बाहर से जब एक्सहेल करता है, जब वो सांस को निकालता है, सांस छोड़ता है, तो वो सांस इसमें आता है, और फिर 1/3 जो होता है, 1/3 जो होता है ना, वो फिर से वापस वो पेशेंट वापस लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं पार्शियल फेस मास्क, यानी पार्शियल रीब्रीदर मास्क भी बोलते हैं इसको। रीब्रीदर मतलब कुछ हवा का परसेंट, कुछ जो हवा मतलब था वो फिर से ब्रीद कर रहा है, वही हवा जो भी उसने छोड़ा है उसमें से 1/3 जो होता है उसको फिर से वो ब्रीद कर रहा है। इसमें जो फ्लो रेट हम रखते हैं इसको 6 to 15 liters per minute रखते हैं, और इसमें जो O2 का कंसंट्रेशन होता है 70 से 90% होता है, इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रखेंगे 70 से 90% होगा, ठीक है। अब नॉन रीब्रीद मास्क, नॉन रीब्रीद मास्क कैसा होता है, देखने में बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर भी इसमें एक पाउच लगा होता है, लेकिन यहाँ पर एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू जो सांस वो छोड़ता है वो बाहर निकल जाता है और सिर्फ ऑक्सीजन उसके अंदर जाता है, उसमें रीब्रीदिंग नहीं होता है, फिर से जो हवा छोड़ दिया है, जो हवा उसने अपने फेफड़े से बाहर निकाल दिया है उसको फिर से नहीं लेता है, इसीलिए लिखा है नॉन रीब्रीदिंग, फिर से उस चीज़ को ब्रीद नहीं कर रहा है, अगली बार फ्रेश हवा आ रही है उसके लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन रीब्रीदिंग मास्क। इसमें भी प्लास्टिक का एक मास्क रिजर्वायर होता है, इट कंसिस्ट वन वे वाल विच प्रिवेंट रूम एयर एंड एक्सहेल एयर इनटू बैग। इसमें एक वन वे वाल होता है जिसमें सिर्फ एक तरफ से हवा जाती है, तो जो अंदर से हवा होती है जो पेशेंट छोड़ता है वो बाहर निकल जाती है, वो हवा बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो बाहर की हवा है वो अंदर नहीं जाएगी, वो अंदर नहीं जाएगी, ठीक। फिर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ O2 डिलीवरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा O2 को अगर हम देते हैं तो इसी के माध्यम से देते हैं, सबसे ज़्यादा O2 परसेंटेज इसी से जाता है। इसमें फ्लोरेट कितना रखते हैं, 10 से 15 लीटर पर मिनट रखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होता है इसमें, 95 से 100%, मतलब बहुत जब ज़्यादा तेज हम उसको देना रहता है, पेशेंट बहुत इमरजेंसी के कंडीशन में होता है, जब उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तब हम ये नॉन रीब्रीद मास्क का यूज करते हैं। कोटिंग रिस्पायरेटरी सेट्स एंड पेशेंट हु रिक्वायर इंट्यूबेशन, कुछ पेशेंट जिनको इंट्यूबेट करना पड़ता है ऐसे कंडीशन में हम नॉन रीब्रीद मास्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको ऑक्सीजन का फ्लो जो हो हाइएस्ट रहे। इसमें हाइएस्ट कंसंट्रेशन भी रहता है और हाइएस्ट फ्लो रेट भी रहता है ऑक्सीजन का, ठीक। फिर आता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क क्या होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, और इट इज ए मास्क अटैच्ड विद वेंचुरी डिवाइस That mix specific volume of room air. इसमें क्या होता है, जब एयर हम इसको सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं तो इसमें कुछ रूम का भी एयर मिक्स करके हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। इसमें जो वेंचुरी डिवाइस होती है इसमें 6 तरह का होता है, और इसका एक कलर कोडिंग होता है, इसका कलर कोड हम यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू का जो है फ्लो रेट 2 हो जाएगा, मतलब 2 liters, और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा 24 हो जाएगा। वाइट में 4 liters per minute देते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाएगा 28%। ऑरेंज में देते हैं 6 liters per minute, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 31%। येलो में 8 liters per minute, इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाएगा 35। रेड में क्या करते हैं, 10 liters per minute देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं 40% ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक। फिर ग्रीन आता है, ग्रीन में 15 लीटर पर मिनट देते हैं, लेकिन और इसका जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा 60% होगा, ठीक है।
O2 कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें O2 कंसंट्रेशन वेंचुरी मास्क में 24-60% तक होता है टोटल। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में देते हैं, जब कोई इंसान सांस नहीं ले पाता है सही से, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट तरीका होता है ऑक्सीजन डिलीवर करने का, ठीक है। वेंचुरी मास्क जो होता है सबसे मोस्ट एक्यूरेट तरीका होता है। अब आता है फेस टेंट। फेस टेंट में क्या होता है, इसको हम कब देते हैं, ये जब फेशियल ट्रामा हो जाता है किसी, उसको नाक पे चोट लग गया है, उसके फेस पे जल गया है, कुछ चोट लग गया है, तो हम उसको मास्क को रख नहीं पाते, इसलिए फेस टेंट का यूज करते हैं। इसको कुछ इस तरह से लगाया जाता है। इसका फ्लो रेट जो होता है 4-8 लीटर पर मिनट होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 30-35%, ठीक है। अब आता है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट को बेड में कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं और इसमें पोर्ट लगा रहता है। इस पोर्ट के थ्रू ऑक्सीजन को इसमें डिलीवर करते हैं, ठीक है। इस पोर्ट के थ्रू इसमें ऑक्सीजन जाता है और अंदर जो भी रहता है, जैसे बेबी हो, पेशेंट हो, जो कुछ जो भी पेशेंट होगा उसको अंदर उसको मिलता रहता है। अब हम इसको देखते हैं यूज। इट इज ए प्लास्टिक कैनोपी फिटेड ओवर पेशेंट बेड। पेशेंट के बेड के ऊपर इसको फिट कर देते हैं कैनोपी की तरह, एक टेंट की तरह, ठीक है। इसको हम पीडियाट्रिक यूज में लेते हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे उस चीज़ को जो फेस मास्क होता है, नेजल प्रॉन्क्स होता है, उनको हटा देते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। इस वजह से हम बच्चों के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो फ्लो रेट होता है 4-8 लीटर पर मिनट होता है और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है 30% इसमें रखते हैं। ऑक्सीजन टेंट के बाद आता है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड इसको क्या कहते हैं, इट इज ए प्लास्टिक डोम दैट इंक्लूज इन्फेंट हेड। ये बच्चे के बस सर को कवर करता है, एक इस तरह डोम शेप में होता है और ये बच्चे के सर को बस कवर करता है, ठीक है। इसका फ्लो रेट जो होता है 10-15 लीटर पर मिनट होता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 80-90% होता है। ये छोटे बच्चों में इसका हम यूज करते हैं। फिर आता है ट्रांस ट्रेकियल कैथेटर। कभी कभी क्या होता है, कंडीशन आता है जब पेशेंट चोक कर जाता है, मतलब पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, उसके गले में तकलीफ होती है, उसके गले से सांस नीचे नहीं जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, उसके गले में जहां चोक होता है उसके थोड़ा सा नीचे क्या करते हैं, एक सर्जिकल इंसीजन करते हैं, मतलब सर्जरी करके उस सर के, और वहां के थ्रू एक हम पाइप इंसर्ट करते हैं, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जिसको हम ट्रांस ट्रेकियल कैथेटर कहते हैं। ट्रांस ट्रेकियल कैथेटर वहां से इंसर्ट करके और हम उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांस ट्रेकियल कैथेटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो फ्लो रेट होता है 1/4 से लेकर 4 लीटर पर मिनट, मतलब 250 ग्राम से लेकर 4 लीटर तक ये पर मिनट हम इसको देते हैं। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 22-45% होता है और इन द ट्रैकेस्टॉमी O2 कैन बी गिवन बाय द टी पीस और टी कॉलर। टी पीस क्या होता है, टी पीस ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर को हम कहते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। पता है HFNO मतलब हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन। अब हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन एक बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम होता है, जिसमें एक मशीन के थ्रू हम जितना प्रेशर चाहिए, जितना कंसंट्रेशन चाहिए, जितना लीटर पर मिनट चाहिए, सब कुछ सेट कर देते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेटली उतना ही डिलीवर करेगा। फिर आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। अब हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। हमने इसका जो प्रेशर होता है 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर या फिर 1000 किलो पर इंच स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके पाइप जो सप्लाई होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप कनेक्ट करके हम मतलब पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, इस वाले पाइप में कितना प्रेशर होता है, 50-60 पाउंड पर इंच स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें एक ह्यूमिडिफायर वॉल्व वाटर लगा रहता है। ये जो होता है इसमें एक ह्यूमिडिफायर वॉल्व वाटर होता है, जिसमें कुछ डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिस डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको हम ह्यूमिडिफाई करते हैं। ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने से जो पेशेंट के नाक में हवा जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी हवा जब डायरेक्ट कहीं भी फ्लो करेगा, डायरेक्ट हवा लगेगा वहाँ पे, सूखा देता है। हम कपड़े के सामने फैन ऑन करके रख देंगे, कपड़ा सूख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम हवा को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ड्राई म्यूकोजा को सूखने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। उसमें हल्का सा पानी का यूज करते हैं ताकि वो वहाँ पे उसको वेट रखे, वहाँ पे नम रखे, ताकि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का इंजरी ना हो, उसके म्यूकोजा में कोई इंजरी ना हो। इट प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई नहीं होता है और पेशेंट इरिटेट नहीं होता है, और लूजन दिस सीक्रेशन फॉर इजी एक्सपेक्टोरेशन, ताकि पेशेंट इजिली उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली ब्रीथ करे।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम वॉल्व बोतल कहते हैं, ये फ्लो मीटर होता है और यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं इसको, इसको हम रोटेट करेंगे तो यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे कितना हमको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। ये वॉल्व होता है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर रखते हैं। हमने कोविड के टाइम पर सुना था कि कोविड के टाइम पर म्यूकर माइकोसिस नाम की एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी। वो इसलिए फैलने लगी थी कि जो हम यहाँ पर वाटर का यूज़ कर रहे हैं इसको हम क्लीन नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसको क्लीन ना करने की वजह से जो वाटर था यहाँ पे इन्फेक्शियस हो गया था, यहाँ पे फंगाई जनरेट हो गई थी, फंगाई जन्म ले ली थी, और जो फंगाई पेशेंट के एयरवे में जाती थी और उसकी बॉडी में म्यूकर माइकोसिस नामक डिजीज़ कॉज करती थी, ठीक है। और हम इसमें NaCl का भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल जाके पाइप में फंसते हैं और इंसान के लंग्स में चले जाते हैं, तो हम वहाँ पे NaCl का भी यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक सेफ प्योर डिस्टिल्ड वाटर का बस यूज करते हैं, ठीक है। O2 गैस सपोर्ट कम्बशन, ऑक्सीजन गैस क्या करता है, आग को बहुत तेज़ी से लगने देता है, इसलिए कभी भी जब ऑक्सीजन सिलेंडर हम लगाते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ लगाना चाहिए, कहीं भी ऑक्सीजन का लीकेज ना हो, आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर देखेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टॉप होता है इस तरह से कुछ व्हाइट कलर में होता है और जो उसकी बॉडी होती है उसकी ब्लैक होती है। ये बॉडी जो उसकी होगी ये ब्लैक कलर में उसकी बॉडी होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, ठीक है। अब ऑक्सीजन का तो हमने जान लिया कि उसका जो टॉप होता है व्हाइट होता है और नीचे उसकी बॉडी ब्लैक होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस होता है, हम हॉस्पिटल में इसको भी यूज करते हैं, इसका जो बॉडी होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम यूज करते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर यूज करते हैं ग्रे कलर का होता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का जो हम सिलेंडर यूज करते हैं ऑरेंज कलर में होता है। तो ये सारे कुछ कलर कोडिंग होते हैं जो सिलेंडर्स का हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। ये कलर कोडिंग के थ्रू हम जान जाएंगे कि कौन सा सिलेंडर में कौन सी गैस भरी पड़ी है, ठीक। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी क्या होता है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, रेटिनोपैथी या प्रीमैच्योरिटी, मतलब एक प्रीमैच्योर बेबी को अगर हम कभी क्या करते हैं उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, कभी कभी क्या होता है ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से उसमें इसके अंदर रेटिनोपैथी नामक मतलब उसके रेटिना में पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होता है जिसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कहते हैं, और जिसकी वजह से बेबी को ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब बेबी अंधा हो जाता है, ठीक। प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न में ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल होने लगती है, उसकी आँखों में नए नए ब्लड वेसल्स ग्रो होने लगते हैं जिसके वजह से वहाँ पे स्कैरिंग हो जाता है, स्कैरिंग की वजह से वहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, रेटिना में डिटैचमेंट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटो में क्या होता है, फोटो थेरेपी कभी कभी हम प्रोवाइड करते हैं तो जब हम सेफ और हाइजेनिक तरीका नहीं यूज करते हैं, जब हम सब कुछ एकदम हाइजीनिक नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हमने पहले देख चुका है, डिस्कस कर चुके हैं म्यूकर माइकोसिस के बारे में। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें फैलने लगती हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। O2 टॉक्सिसिटी, O2 एक ड्रग्स की तरह ट्रीट किया जाता है, O2 भी एक तरह का ड्रग्स की तरह ट्रीट किया जाता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं यूज करते हैं, कभी भी नर्स अपने आप से इंटरवेंट नहीं करती है, ठीक है। O2 की टॉक्सिसिटी कब होती है, जब O2 को ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी को एडमिनिस्टर कर देंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है O2 टॉक्सिसिटी हो जाती है। फिर आता है इंड्यूस्ड एपनिया, कभी कभी क्या होता है जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं तो CO2 का जो लेवल होता है उसके बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में एपनिया, मतलब वो सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगेगी। फिर क्या होता है O2 ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा, क्या करता है ऑक्सीजन की वजह से कभी कभी म्यूकोसा ड्राई हो जाता है। तो ये था ऑक्सीजन थेरेपी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।